नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा पूर्णतया वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश के उत्तरार्ध काल में इसका लगभग 40% स्वरूप स्पष्ट हो गया था, लेकिन एक स्वतंत्र भाषा के रूप में इसकी पहचान लगभग 1000 ईस्वी के आसपास स्थापित होती है। तब से अद्यावधि तक यह विकास के पथ पर निरंतर गतिशील है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आदिकाल, जो 1000 से 1500 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल, 1501 से 1800 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक काल, जो कि 1801 ईस्वी से आज तक। पहला है आदिकाल, जो कि 1000 से 1500 ईस्वी तक है। हिंदी भाषा का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का काल कहा जा सकता है। सर्वत्र मत्स्य न्याय की परंपरा व्याप्त थी। जर जोरू और जमीन तथा कथित अभिमान के प्रणेता इन लोगों को पशुवत हिंसक बना रहे थे। इस विनाश लीला से जहां कुछ लोग उत्साहित होते थे, वहीं बहुत से लोग विक्षुब्ध भी थे। कुछ एक ने इन विसंगतियों से स्वयं को मुक्त रखा, इसीलिए भोग एवं योग अपूर्व समन्वय इस युग की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। प्रसंगानुकूल राजाश्रय धर्माश्रय में सृजित होने वाली रचनाओं के लिए डिंगल पिंगल दक्षिणी अवधि ब्रज प्रभृति विविध भाषाएं माध्यम भाषा के रूप में अपनाई गई। इस अवधि में सृजित साहित्य जो अभी तक उपलब्ध हुआ है, वह मुख्य रूप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लिखा गया है। प्रारंभिक व्याकरण हेमचंद के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था शब्दानुशासन या सिद्ध हेम व्याकरण। इस युग में विकास की दृष्टि से हिंदी की निम्न ध्वनिगत एवं रूपगत विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। आदिकाल, इस युग में विकास की दृष्टि से हिंदी की निम्न ध्वनिगत एवं रूपगत विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। अपभ्रंश में 8 स्वर थे, ए आ इ ई उ ऊ ए तथा ए, ये मूल स्वर थे। हिंदी में नए स्वर विकसित हुए ए तथा इनका उच्चारण क्रमशः ए और ओ रूप में होता था। इन्हें संयुक्त स्वर कहा गया। अपभ्रंश में ई और ळ व्यंजन नहीं थे, जो कि हिंदी में प्रचलित हुए। नह लह यह जैसे संयुक्त व्यंजन अपने पूर्व व्यंजन के महाप्राण के रूप में प्रचलित हो, मूल व्यंजन बन गए। सहायक क्रियाओं एवं उपसर्गों को अलग प्रयोग से हिंदी की मूल विशिष्टता वियोगात्मकता इसके प्रारंभिक काल में ही प्रभावी दृष्टिगत होने लगी। अपेक्षाकृत कम होते हुए नपुंसक लिंग शब्द धीरे धीरे समाप्त हो गए। वाक्य रचना का स्वरूप निश्चित हो गया। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ा तथा अरबी, फारसी, तुर्की तथा पश्तो के शब्द भी प्रचुर संख्या में अपनाए गए। दूसरा है मध्यकाल, 1501 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। यह काल हिंदी भाषा और साहित्य की उपलब्धियों को देखते हुए
उसका स्वर्णकाल कहा जा सकता है। राजनीतिक स्थिरता, शांतिपूर्ण वातावरण एवं कलात्मक उत्कर्ष ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान किया। यद्यपि संस्कृत अब भी पांडित्य की प्रदर्शिका थी, किंतु प्रतिभागी एवं स्वाभिमानी संतों एवं भक्तों ने लोक बोलियों, विशेष रूप से ब्रज और अवधी को अपनाकर उसे भाषा के स्तर तक पहुंचा दिया। कृष्ण भक्तों एवं राम भक्तों, विशेषकर सूरदास और तुलसीदास के सुयोग से विकसित इन दोनों बोलियों ने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य एवं शब्दकोश की प्रभूत श्री वृद्धि की। फारसी भाषा में संपर्क के कारण हिंदी में 5 नई ध्वनियां प्रचलित हुई, क, ख, ग, ज तथा फ। अ से होने वाले शब्दों में अ का उच्चारण समाप्त होने लगा, जैसे सम्राट, तथागत आदि। हिंदी का व्याकरणीय स्वरूप भी लगभग निश्चित हो गया। अपभ्रंश रूप या तो प्रचलन में समाप्त हो गए अथवा हिंदी के अपने बन गए। मुसलमानों से आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित होने के कारण उनकी विविध भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि के लगभग 6000 शब्द हिंदी में अपना लिए गए। हिंदी भाषा की वियोगितात्मकता लगभग पूरी हो गई और परसर्ग तथा क्रियाओं आदि का अधिक से अधिक स्वतंत्र प्रयोग होने लगा। सूरदास एवं तुलसीदास के साथ साथ रीतिकालीन आचार्यों के कारण जहां हिंदी में प्रचुर मात्रा में तत्सम शब्द सम्मिलित एवं प्रचलित हुए, वहीं संत सूफियों या मुक्तक परंपरा के रचनाकारों के प्रभाव से तद्भव एवं देशी तथा देशत शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाली विभिन्न यूरोपीय जातियों से संपर्क के कारण उनकी भाषाओं पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग प्राय हिंदी के अपने व्याकरण के अनुसार प्रचुर मात्रा में होने लगा। तीसरा है आधुनिक काल, 1801 ईस्वी से आज तक। इस अवधि को खड़ी बोली हिंदी का काल कहा जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा और अवधि एक तरफ जनमानस से दूर होकर विशिष्ट वर्ग की भाषा बन गई, तो दूसरी ओर हिंदी प्रदेश की। अधिकार करने वाले अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक गतिविधियों की स्वीकारिता हेतु 1800 ईस्वी से ही खड़ी बोली को संरक्षण प्रदान करते हुए अपना लिया। यद्यपि साहित्यिक क्षेत्र में कुछ दिनों तक खड़ी बोली गद्य विधा और ब्रजभाषा पद्य विधा का माध्यम भाषा न रही, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता, राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक जागरण और प्रेस के अस्तित्व में आने के कारण खड़ी बोली साहित्यिक सृजन की एकमात्र भाषा बन गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष गिल क्राइटिस ने खड़ी बोली हिंदी के विकास के बंग भंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन की रचनात्मक भूमिका को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा के क्षेत्र के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों ने भी खड़ी बोली को एक स्वर से स्वदेशी यानी संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया। फलतः हिंदी के विद्वानों एवं रचनाकारों के समक्ष उसे एक विशिष्ट भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की चुनौती उपस्थित हुई। इसे उन्होंने पूरे मनोयोग से स्वीकार कर हिंदी से जुड़ी राष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिखाया। इस दृष्टि से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम अग्रगण्य है, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी एवं उसके माध्यम से लिखी जाने वाली रचनाओं का परिष्करण एवं परिमार्जन करके छायावाद के आगमन तक उसे हर दृष्टि से सक्षम भाषा बनने का सुयोग प्रस्तुत किया। कचहरी में उर्दू भाषा और फारसी लिपि के प्रचलन के कारण 1947 ईस्वी तक क, ख, ग, ज और फ वर्ण तो प्रचलन में रहे,
किंतु धीरे धीरे क ख क ख ग के रूप में प्रयुक्त होने लगे और ज और फ प्रचलन में अभी भी बने हुए हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से उसके ओ वर्ण के लिए एक नई ध्वनि ओ प्रचलित हुई, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉलगेट आदि। ओ का उच्चारण ओ एवं आ के मध्य करने की चेष्टा की जाती है। शब्दांत में अ का उच्चारण लगभग समाप्त हो चुका है, जैसे राम, श्याम आदि। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त होने वाली साहित्यिक हिंदी। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के जनसामान्य या विशिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाली हिंदी। इसके भी कम से कम तीन स्वरूप प्रचलन में है। शिष्ट लोगों से की बातचीत में प्रयुक्त होने वाली हिंदी, जिसके आरंभ से अंत तक संयम एवं अनुशासन का पुट रहता है। पारिवारिक धरातल पर प्रयुक्त होने वाली हिंदी, जिसमें थोड़ी उन्मुक्तता और थोड़ा अनुशासन तथा संयम का पुट रहता है, एवं मित्रों तथा समन्वयकों के मध्य बातचीत में पूर्ण उन्मुक्तता के साथ प्रयुक्त होने वाली हिंदी, जिसमें अनुशासन या संयम का सर्वदा अभाव होता है। शासन, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों का माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का समन्वय हो रहा है। ये शब्द विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ग्रहण, निर्माण, अनकलन यानी तकनीक, अकादमी, डीजल और सचरियन यानी निस्तृति इत्यादि।